एसी का इधर देखेंगे पॉइंट और डीसी का इधर पॉइंट देखेंगे। एसी का मतलब ही होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो ये अल्टरनेट है, मतलब एक छोड़ के एक, दूसरा डायरेक्ट करंट, लगातार बिना रुके हुए, ये एक छोड़ के एक हो रहा है और ये लगातार हो रहा है, तो ये पहला डिफरेंस है। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, लेकिन डायरेक्ट करंट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। तीसरा डिफरेंस, टाइम के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है, उसका वैल्यू वो चेंज होता रहता है, लेकिन डीसी करंट में ये चीज़ नहीं होता। डीसी करंट में उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो वैल्यू है, वो चेंज नहीं होता, मतलब एक समान रहता है, जो वैल्यू स्टार्टिंग में रहता है एंड तक वो वैसा ही बना रहता है। डीसी करंट में उसका मैग्नीट्यूड अगर वेरी भी करता है तो वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में वेरी करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो अपना मैग्नीट्यूड जो है, वो अपना वैल्यू जो है वो चेंज करता है। इसको समझने के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि डायरेक्ट करंट में जो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता और मैग्नीट्यूड चेंज करता है, तो ये दोनों डिफरेंस क्यों हो रहा है। तो मैंने एक जो डीसी वीडियो अपलोड किया है डीसी के बारे में स्पेशली, उस वीडियो में मैंने डिटेल्स में समझाया है मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड क्या है और डीसी में ये वैरी क्यों कर रहा है, मतलब डीसी में अलग अलग टाइप्स के क्यों हो रहे हैं, कहीं पे वैरी कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब मैग्नीट्यूड एक जैसा है और कहीं पे वैरी कर रहा है और वो भी सिंगल डायरेक्शन में। तो उस वीडियो को आप देख लेना, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका फ्रीक्वेंसी होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स होता है, मतलब 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स होता है, और इंडिया में जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्स होता है, मतलब 50 हर्ट्स इंडिया में है। और इस पे भी मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है एसी का, आप एसी का वीडियो और डीसी का वीडियो स्पेशली वीडियो दोनों देख लेना, तो उसमें डिटेल्स में समझाया हूँ डीसी और एसी को सेपरेट सेपरेट वीडियो में। तो उसमें मैंने ये भी बताया है कि 50 हर्ट्स इंडिया में क्यों होता है, वजह क्या है 50 हर्ट्स होने का, तो डिटेल्स में समझाया हूँ मैं, आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नहीं होता, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी होता, और ये फ्रीक्वेंसी जीरो कब होगा, जब डीसी करंट प्योर होगा, और प्योर डीसी करंट कब होगा, जब हम उस डीसी करंट को बैटरी या सोलर पैनल से लेंगे। अगर हम बैटरी और सोलर पैनल से ही डीसी करंट ले रहे हैं, तब उसका जो डीसी करंट होगा वो प्योर होगा और उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी होगा, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। एसी करंट को हम चेंज कर लेते हैं डीसी करंट में, जो रेक्टिफायर लगा के हम एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं, वो जो डीसी होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हम उस डीसी करंट को बोलते हैं इम्प्योर डीसी करंट, यानी नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता, इम्प्योर डीसी करंट होता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगा और वो फ्रीक्वेंसी होगा सिंगल साइड में, जैसे हमने बताया ना आपको सिंगल डायरेक्शन में, तो वैसे ही वो सिंगल डायरेक्शन यानी सिंगल साइड में उसका फ्रीक्वेंसी होगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट चलते हैं, तो पांचवा पॉइंट एसी का है कि एसी में पावर फैक्टर होता है, अगर पावर फैक्टर जितना आपका प्योर मतलब 100% के नियर वाइज रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना लॉसेस कम होगा, लेकिन कुछ कुछ डिवाइस हैं जो कि पावर फैक्टर उसमें होते हैं 80% के आसपास, किसी में 70%, किसी में 90% और मैक्सिमम में 100% होते हैं, तो 100% जिसमें जिसमें रहेगा उसका अच्छा रहेगा, उसमें लॉसेस नहीं होगा, तो एसी में ये चीज़ होता है पावर फैक्टर की वजह से, पर डीसी में पावर फैक्टर होता ही नहीं है, इसलिए पावर फैक्टर का नुकसान डीसी में नहीं हो पाता। चलते हैं अगला पॉइंट, अगला सिक्स नंबर जो पॉइंट है, एसी को हम डीसी में जो कन्वर्ट करते हैं वो किसके जरिए, रेक्टिफायर के जरिए। मैंने आपको बताया ना अभी कुछ देर पहले कि एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो किसके जरिए, रेक्टिफायर के जरिए। रेक्टिफायर इन्वर्टर के अंदर भी लगा होता है, इन्वर्टर में सप्लाई देते हो एसी करंट, तो वो क्या करता है रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट करके देन उसको बैटरी में चार्ज करता है, तो ये रेक्टिफायर का यूज होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। वैसे ही डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं, और इन्वर्टर जो है वो सिंगल फेज और थ्री फेज वाला होता है, यानी अगर आप एक इन्वर्टर लेते हो तो वो सिंगल फेज वाला भी हो सकता है और थ्री फेज वाला भी हो सकता है, जो कि डीसी को एसी में चेंज करता है। अब एसी को हम एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं लेके जा सकते, एसी को नहीं मतलब एसी का सोर्स को, जहां से हम एसी करंट ले रहे हैं उस सोर्स को हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेके जा सकते हैं, हमें वायर ले जाना पड़ेगा, और अगर हमें सोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहे तो हम क्या ले जा सकते हैं, जनरेटर को ले जा सकते हैं, और जनरेटर और फ्यूल लेके गए और जहां भी हम चाहे वहां पे एसी करंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डीसी में ऐसा कंडीशन नहीं है, डीसी में जो है वो पोर्टेबल ही होता है,
मतलब आप जो फोन या लैपटॉप में अभी वीडियो देख रहे होगे तो वो डीसी सोर्स के जरिए ही वीडियो देख पा रहे हो। फोन या लैपटॉप, रेडियो, मीटर वगैरह सब में क्या होता है, बैटरी लगा होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी लेके जा सकते हो। जो कंज्यूमर को सप्लाई मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तरफ से, तो वो एसी करंट मिलता है, लेकिन ये चीज डीसी में नहीं है। डीसी का जो अगर सप्लाई आप लेना चाहो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डीसी का सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देते ही नहीं है। अगला पॉइंट, एसी का जो फॉल्ट होता है उसे प्रोटेक्ट करना बहुत इजी है मुकाबले डीसी के। डीसी में जो फॉल्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है। इसी वजह से जो डीसी का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, यानी प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है एसी के मुकाबले। मतलब अगर आप एसी में जो प्रोटेक्ट करोगे, जाहिर सी बात है एमसीवी, एसपीडी, ईएलसीवी, जो भी चीज़ लगाओगे प्रोटेक्शन डिवाइस, वो सस्ता होगा डीसी के मुकाबले। लेकिन यही सब चीज़ जो आप यूज़ करोगे डीसी वाला प्रोटेक्शन डिवाइस, चाहे वो एसपीडी हो, एमसीवी हो, कुछ भी हो, तो वो डीसी वाला इक्विपमेंट जो होगा ज़्यादा महंगा होगा एसी के मुकाबले, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा टफ है। इस वजह से दसवां पॉइंट ये है, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। हम लोग घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट का जो यूज कर रहे हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट कहीं भी स्टोर किया हुआ नहीं है, हम उसे स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप यूज कर रहे हो अभी, तो वो एसी करंट कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा होगा और अभी आपको मिल रहा होगा, तो इसका हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, देन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी को डीसी में, देन हम उसे स्टोर कर सकते हैं डीसी को, यानी एसी को हम नहीं कर सकते। लेकिन डीसी को स्टोर करना बहुत आसान है, डीसी को डायरेक्टली हम डीसी में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास डीसी करंट है तो उसको डायरेक्टली बैटरी में कनेक्ट कर दो, तो वो डीसी स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप एसी सप्लाई ले रहे हो, अगर वो फेल हो जाए, मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो फेल हो गया, गर्मियों में तो होता ही रहता है कि ट्रांसफार्मर फेल हो गया या फिर कुछ टाइम के लिए एसी करंट नहीं आता। अगर ऐसा लंबे टाइम के लिए हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, आपको डीसी करंट का यूज करना पड़ेगा और उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, देन वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आप एसी यूज कर पाओगे। दूसरा कोई अल्टरनेट इसका उपाय नहीं है एसी का। वैसे ही अगर डीसी फेल हो गया, यानी वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो आप दूसरा बैटरी आप यूज कर सकते हो डीसी में, अगर एक बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो। एसी का वोल्टेज जो है अप या डाउन करने के लिए बहुत इजी तरीका है, एक ट्रांसफार्मर लगा के हम अप या डाउन कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको 12 वोल्ट का सप्लाई है, उसको चाहते हो 220 वोल्ट करना, देन बहुत इजी है। या फिर जो घर में सप्लाई आता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, उसको चाहते हो कि आप वोल्टेज कम करना, देन ट्रांसफार्मर लगा दो, उसका वोल्टेज कम कर सकते हो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा आपको, उस ट्रांसफार्मर के जरिए आप एसी करंट को आसानी से स्टेप डाउन कर सकते हो, वोल्टेज को कम कर सकते हो। लेकिन डीसी में ये फैसिलिटी नहीं है। डीसी में अगर आपको वोल्टेज अप या डाउन करना है, तो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी कॉम्प्लेक्स आपको इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा उस डीसी को वोल्टेज अप या डाउन करने के लिए। मतलब अगर आपका 12 वोल्ट का बैटरी है, आप चाहते हो कि उसको 5 वोल्ट का बल्ब जलाओ, देन आप डायरेक्टली तो जला नहीं सकते हो, तो वोल्टेज डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट लगेगा, बड़ा इक्विपमेंट लगेगा, देन वोल्टेज को डाउन कर पाओगे, स्टेप डाउन कर पाओगे। तो इसमें थोड़ा क्रिटिकल चीज है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसमें हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ये अक्सर जहां भी हाई अमाउंट में पावर, हाई अमाउंट में वोल्टेज चाहिए होता है, वहां पे हम एसी करंट का यूज करते हैं। जैसे कि मोटर, जैसे कि लाइट, फैन, हीटर या फिर इंडस्ट्री में यूज करते हैं आप, जो फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर यूज करते हो, तो ये सब बड़े अमाउंट वाले, बड़े पावर वाले, बड़े वोल्ट वाले इक्विपमेंट है, इसमें ज़्यादा एम्पियर लगते हैं। लेकिन डीसी में क्या है कि ये कम कम वाले, कम कम वोल्ट, कम कम पावर वाले इक्विपमेंट ही यूज होते हैं। जैसे कि आपका फोन, जैसे कि आपका लैपटॉप, रेडियो, ये कम कम पावर लेते हैं, तो इसका हम लोग यूज करते हैं कम के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आजकल डीसी भी बड़े पावर वाला आने लगा है, अवेलेबल होने लगा है। आप डीसी का फैन भी यूज कर सकते हो, डीसी का कूलर यूज कर सकते हो, डीसी का हर कुछ आने लगा है जो बड़े पावर वाला होता है, क्योंकि आजकल सोलर आ गया। इस वजह से एसी में जो ट्रांसमिशन लॉसेस है वो नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है ट्रांसमिशन लॉसेस इसका, कम होता है। इसी वजह से हम इसका लॉन्ग डिस्टेंस यानी लॉन्ग ट्रांसमिट कर पाते हैं एसी करंट को। डीसी में जितना लंबा वायर डालोगे, वायर डालने की वजह से उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस जो है वो ज्यादा होगा, मतलब पावर का लॉसेस ज्यादा होता है। अगला पॉइंट चलते हैं एसी में, तो एसी में जो अगर दो वायर है रेड एंड ब्लैक, देन वो फेज या न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन डीसी में तो अगर रेड और ब्लैक वायर है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव कहलाता है। एसी में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता और डीसी में फेज न्यूट्रल नहीं होता, मतलब डीसी में सिर्फ
पॉजिटिव और निगेटिव होता है, मतलब प्लस या माइनस होगा, और एसी में फेज या न्यूट्रल होगा। अगर ये सिंगल फेज हुआ तो, अगर ये थ्री फेज का होगा तो उसमें चार तरह का वायर लगेंगे। 16 नंबर पॉइंट है कि एसी को जो हम जनरेट करते हैं वो मैकेनिकली जनरेट कर सकते हैं हम एक जनरेटर के जरिए, डीसी को भी जनरेट कर सकते हैं जनरेटर के जरिए, बस उसमें क्या एक रिपील लगाना पड़ता है, देन वो क्या करता है डीसी करंट जनरेट करता है। 17 नंबर पॉइंट जो है, एसी का जनरेशन का जो सोर्स है वो इकलौता सिर्फ जनरेटर ही है, मतलब जो स्टार्टिंग में एसी करंट का खोज किया गया था उस समय से लेकर आज तक सिर्फ एक ही सोर्स है एसी करंट का, और वो है जनरेटर। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है एसी करंट को जनरेट करने का, लेकिन डीसी को जनरेट करने का जनरेटर के अलावा भी मार्केट में अवेलेबल है, और वो क्या चीज़ है, सोलर पैनल। यानी सोलर पैनल से भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, और वो करंट कौन सा होता है, डीसी करंट होता है। तो एक बैटरी भी तो है, बैटरी डीसी जनरेट नहीं करता, बैटरी डीसी स्टोर रखता है। डीसी जनरेटर से या फिर डीसी पैनल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेके बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन बैटरी खुद अपना जनरेट नहीं करता है। तो आज हमने देखा 17 डिफरेंट पॉइंट जो एसी और डीसी को डिफरेंस करता हो, दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हो कि दोनों के बीच में कौन सा डिफरेंस है।